वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ यू आर न्यू व्यूअर प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। आज हम बात कर रहे हैं द भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी कि न्यू इंडियन पेनल कोड 2023 की। और अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन सेक्शन 1 एंड 2, एंड मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी सेक्शन 3 जनरल एक्सप्रेशन। तो जनरल एक्सप्रेशन साधारण स्पष्टीकरण में क्या क्या आता है, इसमें कुछ जो है स्पष्टीकरण दिए हुए हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिससे कि समझने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो सेक्शन 3 है वो कहता है साधारण स्पष्टीकरण की बात करता है। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि इस संहिता में सर्वत्र अपराध की प्रत्येक परिभाषा, थ्रू आउट दिस संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पेनल प्रोविजंस परिभाषा, प्रत्येक दंड उपबंध और प्रत्येक ऐसी परिभाषा या दंड उपबंधों का प्रत्येक दृष्टांत साधारण अब्बास शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अध्याधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। इट मीन्स कि थ्रू आउट द संहिता एवरी डेफिनेशन ऑफ एन ऑफेंस, एवरी पेनल प्रोविजंस एंड एवरी इंस्टॉलेशन ऑफ एवरी सच डेफिनेशन और पेनल प्रोविजंस शैल बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू बी एक्सप्रेशन कंटेंट इन द चैप्टर एंटाइटेड जनरल एक्सप्रेशन। थ्रू दोज एक्सप्रेशन आर नॉट रिपीटेड इन सच डेफिनेशन पेनल प्रोविजंस और इंस्टॉलेशन। इसका जो है पहला दृष्टांत जो है एग्जाम्पल समझते हैं कि ए इस संहिता की वे धाराएं, दिस द सेक्शन ऑफ दिस संहिता विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस, जिन अपराधों की परिभाषाएं अंतर्विष्ट हैं, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु के बालक ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अध्ययन समझी जानी है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। यानी कि जो ये कोड है वो ये नहीं कहती कि जो 7 साल तक का बच्चा है वह अपराध कर ही नहीं सकता, इसमें बल्कि ये कहा है कि जो 7 साल के बच्चे के द्वारा जो है या 7 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा कोई अपराध किया जाता है, कोई काम ऐसा गलत किया जाता है तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। ये नहीं कहा कि इसे अपराध वह कर ही नहीं सकता, अपराध माना नहीं जाएगा उसको, क्योंकि उसकी जो समझ है वो परिपक्व नहीं है। द सेशन ऑफ दिस संहिता विच कंटेन डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस डू नॉट एक्सप्रेस दैट ए चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट कमिटेड सच ऑफेंसेज, बट द डेफिनेशन आर टू बी अंडरस्टूड सब्जेक्ट टू द जनरल एक्सप्रेशन विच प्रोवाइडेड दैट नथिंग शैल बी एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि 7 साल की आयु का बच्चा अपराध कर सकता है, कोई ऐसा गलत काम कर सकता है, लीगल काम कर सकता है, लेकिन उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सब सेक्शन बी कहता है इसका, एक पुलिस अधिकारी वारंट के बिना या को जिसने हत्या की है, का जो है ए जो है ए पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट एप्रिहेंडेड जेड, जो या है उसको जेड जो है उसकी जिसने हत्या की है पकड़ लेता है, यहां का सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है क्योंकि वह या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा अवरुद्ध था और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा अवरुद्ध हो।
यानी कि उसके पास बिना वारंट के पुलिस अधिकारी क्या है उसे गिरफ्तार कर सकता है, कर लेता है, जिसने हत्या की है पकड़ लेता है। यहाँ पे वह क्या है, सदोष परिरोध, रोंगफुल कन्फाइनमेंट का वो पुलिस वाला दोषी नहीं है। ए पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अप्रिहेंडेड जेड हु हैज कमिटेड मर्डर हेयर ए इज नॉट गिल्टी फॉर ऑफ द ऑफेंस ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर ही वाज बाउंडेड बाय लॉ टू अप्रिहेंडेड जेड। उसको राइट है उसे पकड़ने का क्योंकि वे एक पुलिस वाला है। एंड देयर फॉर द केस फॉल्स विद इन द जनरल एक्सप्रेशन विच प्रोवाइडेड देन नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु इज बाउंडेड बाय लॉ टू डू इट। अगर वह लॉ के हाथों बंधा हुआ है तो वह उसे पकड़ सकता है। अगर किसी और व्यक्ति जो लॉ के अनुसार बंधा हुआ नहीं है व्यक्ति, अगर वो उसको पकड़ता तो उस केस में कहते हैं कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हुआ, सदोष परिरोध हुआ। सदोष परिरोध की मैं अपनी परिभाषा जो है क्या कहते हैं सदोष परिरोध को, तो मैं क्लियर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इसका लिंक डाल दूंगी कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होता है, सदोष परिरोध क्या होता है। नेक्स्ट आते हैं जो सबसेक्शन 2 है सेक्शन 3 का, कि प्रत्येक पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के प्रत्येक भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। एवरी एक्सप्रेशन विच इज एक्सप्लेन इन एनी पार्ट ऑफ दिस संहिता इज यूज इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता इन कंफर्मेटली विद द एक्सप्रेशन, तो उसी तरह उसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं जब कोई संपत्ति, सबसेक्शन 3 कहता है सेक्शन 3 का कि जब कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कारण उस व्यक्ति का पति या पत्नी लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। यानी कोई प्रॉपर्टी जो है वह किसी व्यक्ति के कब्जे में है, यानी कि इसके पति के कब्जे में हो, पत्नी के कब्जे में हो, उसके सेवक सर्वेंट के कब्जे में हो, तो यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति के कब्जे में वो प्रॉपर्टी है। व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पजेशन ऑफ ए पर्सन स्पाउसेज क्लर्क और सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन इट इज इन द पर्सन पजेशन विद द मीनिंग ऑफ दिस संहिता, तो ये कहा जाएगा चाहे उसकी पत्नी के कब्जे में हो वह प्रॉपर्टी, चाहे उसके सर्वेंट के कब्जे में हो, चाहे उसके पति के कब्जे में हो, तो ये कहा जाएगा उस व्यक्ति के कब्जे में वो प्रॉपर्टी है। इसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि लिपिक या सेवक की हैसियत से अस्थायी रूप से या किसी विशेष अवस्था पर नियोजित कोई व्यक्ति इस उपधारा के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। यानी कि ए पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परेरी और ऑन द पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ ए क्लर्क और सर्वेंट इज ए क्लर्क और सर्वेंट विद द मीनिंग ऑफ दिस सबसेक्शन, तो इस सबसेक्शन के अंतर्गत उसको भी क्या है लिपिक या सेवक माना जाएगा, क्लर्क और सर्वेंट माना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 4। सबसेक्शन 4 कहता है सेक्शन 3 का, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 3 का सबसेक्शन 4 कहता है कि जब तक कि संदर्भ में प्रतिकूल आशय प्रतीत ना हो, इस संहिता के प्रत्येक भाग के किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोप पर भी है, लोपों पर भी है। इन एवरी पार्ट ऑफ द संहिता एक्सपेक्ट वेयर ए कंट्रेरी इंटेंशन अपेयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट वर्ड्स विच रेफर टू एक्ट डन एक्सटेंड आल्सो टू इलीगल ओमिशन। यानी कोई काम लीगल ओमिशन होता है कि कोई लीगली रूप से कोई काम करने को कहा गया है, लॉ के द्वारा कहा जाता है कि ये आप काम करिए और आप उसको नहीं करते हैं, तो वो लीगल इलीगल ओमिशन कहलाता है, अवैध रूप से उस काम को छोड़ देना, लोप करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसेक्शन 5।
सेक्शन 5 कहता है कि जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य हास्य को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो। यानी कि चार व्यक्ति हैं, वो चारों एक ही उद्देश्य से कोई काम करते हैं, सामान्य आश्रय से अग्रसर होते हैं उस काम को करने के लिए, तो उस पे जो है ये कहा जाएगा कि जो व्यक्ति है उसने अकेले काम किया हुआ हो, ऐसा जो है कहा जाएगा। When a criminal act is done by several person in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for this that act in the same manner as if it were done by him alone. जैसे उसने वो काम अकेले ही किया हो। अगर वो समान उससे से बहुत सारे व्यक्ति करते हैं तो उस अकेले को भी कहा जाएगा कि उसने क्या है, उसी इंटेंशन से जो काम किया वो उसने अकेले किया हो, ऐसा माना जाएगा। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। नेक्स्ट आते हैं, और आप कौन सी वीडियो चाहते हैं, कोई सी आपकी क्वायरी है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सबसेक्शन 6। सबसेक्शन 6 कहता है कि जब कभी कोई कार्य जो आपराधिक ज्ञान या आस्था से किए जाने के कारण ही आपराधिक है कई व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे ज्ञान या आस्था से उस कार्य में सम्मिलित होता है उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस ज्ञान या आस्था से अकेले उसी द्वारा किया गया हो। मीन्स कि जो है आपराधिक ज्ञान या आस्था से कोई कार्य किया जाता है कई व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, एक से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, तो जब भी उस पर आरोप लगेगा तो माना जाएगा कि उस ऐसा माना जाएगा कि जैसे कि उस अकेले ने ही वह कार्य किया हो। Whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such person who join in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manner as if the act were done by him alone with that knowledge or intention. जैसे उसने अकेले ही नहीं कार्य किया हो, ऐसा समझा जाएगा, चाहे वो सारे व्यक्तियों के द्वारा किया हो गया हो, लेकिन जब ऑफेंस लगेगा, आरोप लगेंगे, चार्ज लगेंगे, तो हर पे या जो है इक्वल चार्ज लगेंगे। नेक्स्ट आता है सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 7 कहता है जहां कहीं किसी कार्य द्वारा या किसी लोभ द्वारा किसी परिणाम का कारित किया जाना या उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां यह समझा जाना है कि उस परिणाम का अंस्ता कार्य द्वारा या अंस्ता लोभ द्वारा कारित किया जाना वही अपराध है। Whenever the causing of the certain effect or an attempt to cause that effect, why an act or why an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense. एग्जाम्पल लेते हैं, का जो है अंस्ता या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करके, अंस्ता या को पीट कर जानबूझ कर या की मृत्यु कारित करता है, का ने हत्या की है। ए इंटेंशनली कोचेट्स दैट पार्टली वाई इलीगली ओमिटेड टू गिव जेड फूड एंड पार्टली वाई वीटिंग जेड ए हैज कमिटेड मर्डर। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसेक्शन 8। सबसेक्शन 8 कहता है कि जब कोई अपराध कई कार्य द्वारा किया जाता है, तब जो कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उस कार्य में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के किए जाने में जानबूझकर सहयोग करता है,
वह उस अपराध को करता है। When a offense is committed by means of several acts, whoever intentionally cooperates in the commission of that offense while doing any one of those acts, either singly and jointly with any other person, committed that offense. एग्जाम्पल से समझते हैं, ए एंड बी पृथक पृथक रूप से और विभिन्न समयों पर या को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर उसकी हत्या करने को सहमत होते हैं। ए एंड बी एग्री टू मर्डर जेड बाय सर्वली एंड एट डिफरेंट टाइम्स गिवन हिम स्मॉल डोज ऑफ पॉइजन। का और खा ए एंड बी या की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार या को विष देते हैं। ए एंड बी एडमिनिस्टर द पॉइजन अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट विद इंटेंट टू मर्डर जेड। या इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। जेड डाई फ्रॉम द इफेक्ट द सर्वल डोज ऑफ पॉइजन सो एडमिनिस्टर्ड टू हिम। यहाँ का और खा ए एंड बी हत्या करने में जानबूझकर सहयोग करते हैं। हेयर ए एंड बी इंटेंशनली कोऑपरेटेड इन द कमीशन ऑफ मर्डर एंड ईच ऑफ देम डॉज एंड द एक्ट वाय विच द डेथ इज कॉज्ड। और क्योंकि उनमें से प्रत्येक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित होती है, वे दोनों इस अपराध के दोषी हैं, यद्यपि उनके कार्य पृथक पृथक हैं। दे आर बोथ गिल्टी ऑफ द ऑफेंस दो देयर एक्ट्स आर सेपरेट। दोनों ने अलग अलग टाइम पे किया है, जो डोज थी पॉइजन की वो दी, लेकिन उनका जो इंटेंशन था वो सेम था। और वह क्या है, दोनों क्या है, हत्या के दोषी हैं, चाहे उनका कार्य अलग अलग क्यों ना हो। नेक्स्ट आता है, एक एग्जांपल लेते हैं। ए एंड बी आर जॉइंट जेलर्स। का और खास संयुक्त जेलर हैं। और अपनी उस हैसियत से वे एक कैदी या का बारी बारी से एक समय में 6 घंटे के लिए संरक्षण भार रखते हैं। ए एंड बी आर जॉइंट जेलर्स एंड एज सच हैव द चार्ज ऑफ जेड ए प्रिजनर अल्टरनेटली फॉर 6 hours एट ए टाइम। या को दिए जाने के प्रयोजन से जो भोजन का और खा को दिया जाता है, वह भोजन इस आशय से कि या की मृत्यु कारित कर दी जाए, प्रत्येक अपने हाजिरी के काल में या को देने का लोभ करके वह परिणाम अवैध रूप से कारित करने में जानते हुए सहयोग करते हैं। या जो है भूख से मर जाता है। का और खा दोनों या की हत्या के दोषी हैं। A and B are jointly jailer and as such have the charge of Jed, a prisoner alternatively for 6 hours at a time. A and B intending the court checks that knowledging cooperate in causing that effects by illegally omitted, each during the time of his attendance to furnish Jed with food supplied to them for the purpose. Jed died of hunger. Both A and B are guilty of the murder of Jed. इसमें ये बताया गया इस एग्जाम्पल में कि जो A भी जो है एक साथ क्या है, संरक्षण करते हैं एक अपराधी का, जेड का, और जेड का जो है वो संरक्षण करते हैं, देखभाल करते हैं, और टाइम पे 6-6 के अंतराल, 6-6 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है, और उनमें उन्हें खाना देना होता है जेड को। वह खाना ना देते हैं क्योंकि वह उनकी मृत्यु कारित करना चाहते हैं, उसे मारना चाहते हैं, और इस कारण से जो जेड है वो मर जाता है। तो दोनों क्या है, जो हत्या के अपराध के, जेड के हत्या के अपराध के दोषी हैं। नेक्स्ट आता है, ए एक जेलर का
एक कैदी या का संरक्षण भार रखता है। ए जेलर है द चार्ज ऑफ जेड का या की मृत्यु कायद करने के आशय से या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है, जिसके परिणाम स्वरूप या की शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है, किंतु वह क्षुधा पीड़न उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं होता, यानी कि वह उसको खाना नहीं देते, उसके जो भोजन है उसको देने से रोकते हैं, उसको खाने नहीं देते, इसके मारे वह बहुत कमजोर हो जाता है, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती। का अपने पद में च्युत कर दिया जाता है और खा उसका उत्तरवर्ती होता है। का से दुसंधि और सहयोग किए बिना खा यह जानते हुए कि ऐसा करने से संभाव्य है कि या की मृत्यु कारित कर दे, या को भोजन देने का अवैध रूप से लोप करता है। या भूख से मर जाता है और खा हत्या का दोषी है, किंतु का ने खा का सहयोग नहीं किया, इसलिए का हत्या के प्रयत्न का ही दोषी है। यानी कि दोनों ने सहयोग नहीं किया खा ने, तो वह क्या है, हत्या के प्रयत्न का दोषी हुआ, वो क्या है, हत्या का दोषी हुआ। तो इस तरीके से क्या है, इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए। जहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने में लगे हुए हैं या समृद्ध है, वहां वे उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे। वे सर्वल पर्सन आर इंगेज एंड कंसर्न इन द कमीशन ऑफ ए क्रिमिनल एक्ट, दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस बाय मीन्स ऑफ दिस एक्ट। एग्जाम्पल लेते हैं। का जो है, ए जो है, गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन, गंभीर प्रकोपन क्या होता है कि एक दम किसी को इतना ज्यादा एग्रेसिव यानी क्रोधित कर देना कि वह जो कार्य कर रहा है उसको उसकी समझ ना हो पाना। ए जो है गंभीर प्रकोपन की ऐसी परिस्थितियों के अधीन या पर आक्रमण करता है कि या का उसके द्वारा वध किया जाना केवल ऐसा आपराधिक मानव वध है जो हत्या की कोटि में नहीं आता। खा जो या से वैमनस्य रखता है, वैरभाव रखता है, उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के वशीभूत ना होते हुए या का वध करने में का की सहायता करता है। यहाँ यद्यपि का और खा दोनों या की मृत्यु कार्य करने में लगे हुए हैं, खा हत्या का दोषी और का केवल आपराधिक मानव वध का दोषी है। मीन्स कि ए अटैक जेड, ए ने जेड पे क्या है अटैक अंडर सच सर्कमस्टांसेस गेव प्रोवोकेशन डेट हिज किलिंग टू जेड वुड बी ओनली कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। वी हैविंग इल विल towards Jed and intending to kill him and not having been subject to the provocation assist A in kill Jed. Here though A and B are both engaged in causing Jed's death, B is guilty of murder and A is guilty only of culpable homicide. इसको एक बार हो समझा देती हो कि जो A है उसने क्या करा जेड को, उसे एकदम अचानक प्रकोपन मिला, उसे एक तरह से अचानक गुस्सा आ गया और उसने क्या है उसको मारने की कोशिश, मार दिया जेड को, मारने की कोशिश की या मार दिया। जो बी सी है, सी जो है वह क्या कहते हैं, वह अचानक प्रकोपन का शिकार नहीं है, उसे किसी ने एकदम क्रोधित नहीं किया है, वो इंटेंशनली जेड को मारना चाहता है। तो उस केस में जो जेड है, जो ए है, वो तो क्या है कल्पेबल होमोसाइड का, आपराधिक मानव वध का दोषी है, लेकिन जो सी है वो क्या है, वह जो है जो हत्या का दोषी है, मर्डर का दोषी है, क्योंकि वो इंटेंशनली उसने किया था, उसको किसी तरह का जो अचानक प्रकोपन जो है एकदम से उसे एग्रेसिव कर दिया गया ऐसा नहीं था। तो ये जो है डिफरेंस होता है हत्या में और आपराधिक मानव वध में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बहुत अदर वीडियोस देख सकते हैं। तो एक कमेंट है कि
जो केस है सेवा राम बनाम यूपी राज्य 2008 CLJ 802 SC। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3 सबसेक्शन 5 के तहत उल्लेख की गई टिप्पणी भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 34 पर आधारित है। यह धारा कोई ठोस अपराध नहीं बनाती, लेकिन सभी कर्ता को सबूत के नियम के तहत बांधता है। द सेक्शन नॉट क्रिएटेड एनी सब्सटेंटिव ऑफेंस बट वाइंड ऑल द डोल अंडर ए रूल ऑफ एविडेंस। तो इस केस में ऐसा कहा गया। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, सेक्शन 4 से स्टार्ट करेंगे। सेक्शन 3 क्लियर हो गया, इसमें क्लियर जनरल एक्सप्लेनेशन थे, तो ये सारा कुछ क्लियर हो गया। तो फ्रेंड, इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।